हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पिछले एक साल से एकदम ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है और हम अगर इसमें कुछ छोटा क्वांटिटी लेके रख दें तो अगले एक दो साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसमें आपको एक मल्टी बैगर होने का पोटेंशियल भी है। ये कंपनी जिस सेक्टर से है वो आज के दिनों में काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ये है फूड रिटेलिंग सेक्टर से। आप जैसा कि जानते हैं कि अभी ये सेक्टर में काफ़ी सारी न्यूज़ आई है। सबसे बड़ा न्यूज़ तो अभी आया है कि रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल का सारा ग्रुप कंपनीज को एक्वायर किया है। और आप जानते हैं कि फ्यूचर रिटेल जो एक बहुत बड़ा रिटेलर है और एक तरीके से पायोनियर है अपने कंट्री में, जो बिग बाज़ार और भी बहुत सारे स्टोर्स चलाती है, तो इसकी वजह से अभी इस सेक्टर में काफ़ी कंसोलिडेशन होगा। मतलब कि अभी आप देखिए, मोर भी बिक गया, फ्यूचर रिटेल भी सारे बिक गए, तो अभी बड़े प्लेयर और बड़े हो गए हैं। जैसे कि रिलायंस है, वो ऑलरेडी एक बड़ा प्लेयर था, लेकिन अब फ्यूचर के साथ मिलके और बड़ा बन गया है। उसके बाद आता है एवेन्यू सुपरमार्ट, जो कि डी मार्ट चलाती है। और तीसरा प्लेयर आप एक कह सकते हैं बड़ा प्लेयर में जो है, वो ट्रेंट लिमिटेड, जिनका कि वेस्ट साइड और स्टार बाज़ार जैसे स्टोर्स हैं, और ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो स्पेंसर इस रिटेलिंग स्पेस में तीसरा या चौथा बोले एक कंपनी है जो कि अभी भी लिस्टेड है, और साइज के हिसाब से देखें तो ये इन सभी से बहुत छोटा है। इसका सेल्स करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए साल का आता है, और स्टॉक का तो पूछिए ही नहीं, ये तो पिछले एक साल से नीचे ही जा रहा है। और जब से इसने नेचर बास्केट खरीदा है गोदरेज से, ये और भी नीचे गया है। आगे आइए, हम देखते हैं कि इसमें इतना लो वैल्यूएशन क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं, डी मार्ट जो ऑपरेटर है, एवेन्यू सुपर मार्ट, उसका मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ रुपए के करीब है। रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन करीब 4-5 लाख करोड़ रुपए है, और ट्रेंट का भी 20,000 करोड़ के आसपास है। तो उसके सामने स्पेंसर केवल 700 करोड़ रुपए से भी नीचे पे क्यों मिल रहा है, जबकि इसका भी सेल्स करीब 3,000 करोड़ रुपए का है साल का। उसके बहुत सारे कारण हैं, और अगर मैं चार पांच चीज़ नोटिस करूं तो वो दिखता है कि मार्केट में ये बिलीफ है कि रिलायंस और एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे बड़े प्लेयर के सामने स्पेंसर जैसा छोटा प्लेयर नहीं टिक पाएगा, क्योंकि रिलायंस के पास इतना अभी कैश है कि वो ह्यूज डिस्काउंटिंग दे के और ये करके सारा मार्केट एक्वायर कर सकता है। इसके अलावा स्पेंसर में गिरावट आने का एक और बड़ा कारण था कि पिछले साल जून के आसपास इन्होंने गोदरेज से नेचर्स बास्केट एक खरीदा था। नेचर्स बास्केट मोस्टली मुंबई में है और पुणे में है, और वो कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाया आज तक। फिर मार्केट को ये अच्छा नहीं लगा कि आप एक लॉस मेकिंग कंपनी को क्यों एक्वायर कर रहे हैं, तो ये एक दूसरा बड़ा रीजन था। तीसरा है कि अभी जो रिटेलिंग डिवीजन है और एफएमसी डिवीजन है आरपीएसजी ग्रुप का, गोयनका ग्रुप का, वो मिस्टर शाश्वत गोयनका हैंडल करते हैं, जो कि संजीव गोयनका के सन है, और वो काफी यंग है अभी भी, और ही वो अभी भी सीख रहे हैं। मतलब कि उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और स्किल अगर चाहिए जितना किसी बड़े 3,000 करोड़ सेल्स की कंपनी चलाने के लिए, उतना नहीं दिखता है, लेकिन वो अभी भी सीख रहे हैं। तो मार्केट को बिलीफ अभी भी उनके ऊपर उतना नहीं है, इसलिए मार्केट प्राइस इसका उतना मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करता है ट्रू वैल्यू। और एक रीज़न है कि स्पेंसर्स को जाना जाता है कि ये ज़्यादातर सेल्स जो है इनका ग्रॉसरी और फूड से आता है, करीब 65% के करीब आता है, और वो थोड़ा उतना अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता क्योंकि वो काफ़ी लो मार्जिन बिजनेस होता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इसको वो वैल्यूएशन कभी नहीं मिला। और एक और कारण कह सकते हैं कि आरपी संजीव गोयन का ग्रुप जो है वो उतना एग्रेसिव नहीं है जितना कि बाकी सारे प्लेयर हैं, जैसे कि कोई फंड रेज करना हुआ या टाई अप हुआ, तो ये थोड़ा कंजर्वेटिव ग्रुप है जो कि धीरे धीरे अपने मिस्टेक से सीख के आगे की ओर ये अपना जा रहे हैं। फिर अभी ऐसा क्या चेंज हुआ कि मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि हमें इसको खरीदना चाहिए, तो आगे देखते हैं कि इसमें अभी ऐसा क्या चेंज हुआ है। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल स्पेंसर प्रॉफिट में आ गया था कंपनी, ठीक है, लेकिन उसके बाद अचानक उन्होंने नेचर बास्केट का एक्विजिशन किया और वो एक काफ़ी ह्यूज लॉस मेकिंग कंपनी था।
तो उसने पूरा इनके प्रॉफिटेबिलिटी को ड्रैग कर दिया और ये उसके बाद से कंटिन्यूअसली अभी लॉस कर रहे हैं। स्टॉक प्राइस इसकी वजह से कम हुआ है, लेकिन अभी चेंज क्या हुआ है कि इन्होंने काफी इफिशियंटली नेचर्स बास्केट को अपने स्पेंसर्स के साथ सारे प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया है, जिसकी वजह से कॉस्ट उनका कम हो गया है और जो नेचर्स बास्केट के 3-4 लॉस मेकिंग यूनिट्स थे उनको उन्होंने क्लोज कर दिया है मुंबई में। तो उसकी वजह से और नेचर्स बास्केट्स का उन्होंने सेल्स काफी बढ़ाया है। नेचर्स बास्केट्स के पास ऑनलाइन बिजनेस का काफी एक्सपीरियंस था और उनका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा यूज किया कोविड-19 के कारण, कोविड-19 के सिचुएशन में जबकि ऑनलाइन डिलीवरी वाज लाइक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उनको ये प्लेटफॉर्म का काफी फायदा मिला। और अभी आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में, जून का क्वार्टर में, तो नेचर्स बास्केट्स अभी पहली बार इबिटा प्रॉफिट शो करने लगा है। तो ये बहुत काबिले तारीफ एक टर्न अराउंड बोल सकते हैं कि जिस कंपनी ने, गोदरेज ने, नेचर्स बास्केट्स को इतने सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में कभी भी प्रॉफिट नहीं करा पाए, उस कंपनी को स्पेंसर्स ने 1 साल के अंदर इबिटा प्रॉफिट पे ला दिया है। तो दिखाता है कि स्पेंसर्स मैनेजमेंट में अभी भी है, वो अपने काफी एक्सपीरियंस से सीख चुके हैं कि अब किसी भी रिटेलिंग बिजनेस में कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना हर चीज को। तो अभी और क्या हुआ कोविड-19 के चलते कि ग्रॉसरी सेल्स सभी जगह बढ़ गए हैं सभी का, और उसमें इन लोगों ने बहुत अच्छे टाइम पे सही डिसीजन लेके सारे कुछ इन्होंने अपना काम जो है स्ट्रीमलाइन किया। इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डरिंग का अपना डिविजन काफी फैलाया, उसकी वजह से इनको पूरे स्पेंसर्स का ऑनलाइन ऑर्डर्स जो है, जो पहले ये फुलफिल करते थे करीब 20,000 ऑर्डर एक दिन में, अभी वो लोग 1 लाख से ऊपर ऑर्डर कर रहे हैं एक दिन में। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं, जो कि रिलायंस रिटेल का एक रिपोर्ट आया था 2-3 महीने पहले, जहां पे उन्होंने अपने एजीएम में ये बताया था कि वो उनका रिलायंस रिलायंस का जियो मार्ट है जो कि एक दिन में 2.5 लाख ऑर्डर्स वो फुलफिल कर रहे हैं। तो उसके कंपेरिजन में अगर आप देखें स्पेंसर्स का इतने छोटे लेवल पे, जो कि इनका भी पूरे कंट्री में प्रेजेंस है नहीं पूरा, फिर भी ये 1 लाख ऑर्डर्स अभी भी कर रहे हैं। और मैं लॉकडाउन के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अभी इनका अभी पिछले महीने का भी बात है, सितंबर में भी इन्होंने जो इनका ऑर्डरिंग है वो 1 लाख ऑर्डर पर डे कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि इनका ऑनलाइन ऑर्डर से सेल्स काफी बढ़ गया है, लोग अगर स्टोर में नहीं भी आ पा रहे हैं तो भी इनका सेल्स पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और इसको ये अभी काफी बढ़ाना चाहते हैं। अभी तक ये लोग क्या इनका प्लान रहता है कि केवल 2 किलोमीटर के रेडियस में जो एक स्टोर है इनका स्पेंसर का, उनको ये सर्व करते हैं। और ऑनलाइन ऑर्डरिंग जब मैं बता रहा हूँ तो ये फोन पे भी ऑर्डर लेते हैं और इनके ऐप के थ्रू भी आते हैं, और इन्होंने व्हाट्सएप भी ऑर्डर लेना स्टार्ट किया है। और इसकी वजह से इसको ये अभी रेडियस को 4 से 5 किलोमीटर करने वाले हैं, तो इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मतलब ये आपको जस्ट स्टोर सेम रहता है, गोडाउन सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, एक ओनली है कि इनको एक डिलीवरी बॉयज का हायर करना पड़ता है और जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग के लिए कुछ मैन पावर चाहिए उसकी इनको ज़रूरत पड़ती है, वो भी सेंट्रलाइज होता है। तो ऑनलाइन ऑर्डर का जो इंक्रीज इनका जो सेल हो रहा है उसकी वजह से ये ऑनलाइन ऑर्डर्स पे अब प्रॉफिट कमाने लगे हैं। इसके पहले वो ऑनलाइन ऑर्डर्स पे जब वॉल्यूम कम था तो वो लॉस पे करते थे होम डिलीवरी, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं रहा है क्योंकि अभी इनके पास फुर्सत ही नहीं है कि इतने सारे ऑर्डर को हैंडल करने का। तो बहुत ज़्यादा अभी इनके पास ऑर्डर्स आते हैं ऑनलाइन, क्योंकि लोग अभी भी घर से बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं करते, स्टोर को विजिट करने में हिचकिचाते हैं, तो ये लोग उसका अच्छे से यूज कर रहे हैं। और अभी उनका मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है सितंबर में, उसमें उन्होंने बताया कि अगर कोरोना अभी ख़त्म भी हो गया तो भी बहुत सारे लोग जो हैं जिनको ये लगा कि ये अच्छा सुविधा है, एक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं हम, सेम क्वालिटी सभी कुछ है, तो वो बहुत सारे लोग जो है वो वापस स्टोर नहीं आएंगे या कम आएंगे, और ऑनलाइन ऑर्डर का जो इनका फैसिलिटी है उसको वो बहुत सारे लोग आगे भी यूज करते रहेंगे कोरोना हो या ना हो। तो ऑनलाइन ऑर्डर में ये बाकी और जो प्लेयर हैं, बिग बास्केट है, ग्रोफर्स हैं, उनके साथ ये कैसे कंपेयर करेंगे? तो उनका डेटा तो नहीं है, लेकिन उनका स्केल बहुत बड़ा है जैसा कि हम सभी जानते हैं, और उनके पास बहुत फंडिंग है और वो हरदम लॉस में ही बेचते हैं। तो स्पेंसर्स तो उतना दूर तक नहीं जा सकता उनसे कम्पीट करने के लिए, लेकिन ये कम्पीट कर रहे हैं विद प्रॉफिटेबिलिटी, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज
चीज है यहाँ पे इनके लिए। आप इमेजिन करिए कि डी मार्ट भी, जो कि ई कॉमर्स या ऑनलाइन होम डिलीवरी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट अलग है, तो रिलायंस के बाद अगर कोई लिस्टेड प्लेयर है जो कि ऑनलाइन ऑर्डर में इतने तेजी से ग्रो कर रहा है और बिग बास्केट और ग्रोफर्स के सामने भी टिका हुआ है, तो ये स्पेंसर ही है। अभी ये मौका मिल गया कोविड के बाद कि सर्विस को काफ़ी तेजी से और काफ़ी आगे बढ़ाने का, आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमें इसका काफ़ी इम्पैक्ट दिखेगा। अभी इनका और चेंजेस क्या हुआ है कि इन्होंने काफ़ी अपना कॉस्ट कम किया है। कोविड के कारण जैसा कि आप सभी जानते थे बहुत सारे मॉल्स बहुत सारे शॉप्स क्लोज हो गए, और ये तो इन लोगों ने अपना सारे शॉप्स का रेंटल जो है वो रीनेगोशिएट किया है सभी जगह, और करीब इनको एनुअली 4-5 crores का स्पेंसर्स में इनको सेविंग होगा पर ईयर, तो ये इनके बॉटम लाइन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा अभी आने वाले क्वार्टर्स में। उसके अलावा इन्होंने और क्या किया है जिससे ये अट्रैक्टिव दिखता है, तो इन्होंने अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर को और भी कम किया है क्योंकि COVID-19 के चलते इनको बहुत सारे मैन पावर की स्टोर में ज़रूरत नहीं थी, लोग विजिट कम कर रहे थे, तो इन्होंने बहुत सारे मैन पावर को ऑनलाइन ऑर्डरिंग वाले काम में लगा दिया, कुछ को डिलीवरी पे लगा दिया, प्लस इन्होंने जितने भी जो अन्य लो वॉल्यूम सामान थे जिनकी खपत काफ़ी कम थी या ऑर्डर कम होते थे उनको इन्होंने स्टोर से हटाना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी वजह से कम जगह में ही ये ऑप्टिमम काफ़ी मतलब कि इनका सेल्स को और इंक्रीज कर रहे हैं। केवल एक प्रॉब्लम क्या हुई है लॉकडाउन में कि इनका जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है जैसे कि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बेचते हैं, टीवी फ्रिज मोबाइल जो इनके बड़े स्टोर्स हैं कलकत्ता में और लखनऊ में नोएडा में, तो उनका सेल्स काफ़ी कम हो गया था। अब वो धीरे धीरे पीक कर रहा है, अभी वो फेस्टिवल टाइम में काफ़ी अच्छा उनका सेल्स जा रहा है सितंबर में, और अक्टूबर का अभी रिजल्ट नहीं आया है तो उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन ये इनका हाई मार्जिन प्रोडक्ट जैसे कि कपड़े है उस पर उनको 35% तक मार्जिन होता है, तो वो भी अब स्लोली इस क्वार्टर से काफ़ी अच्छा जा रहा है। पिछले क्वार्टर की सबसे खास बात ये थी कि बिना हाई मार्जिन सामान बेचे हुए अपेरल्स और यूटेंसिल्स और गुड्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इलेक्ट्रिक गुड्स फिर भी वो काफ़ी हद तक अपना सेल्स को बचा के रखे, मतलब सेल्स तो कम हुआ है पिछले क्वार्टर में लेकिन आप कंपेयर करें किसी भी दूसरे रिटेलर्स का जिन्होंने वो जून क्वार्टर में क्या रिजल्ट दिया है तो आप देखेंगे कि इन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया है। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं कि अगर इतने सारे निगेटिव हैं इसके पास फिर भी मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि ये अट्रैक्टिव है अभी भी, तो अभी अगर इसका मार्केट प्राइस 76 रुपीज के आसपास चल रहा है तो वो इसका मार्केट कैप आता है 686 करोड़ रुपीज। अगर कोई भी न्यूज़ आप पीछे का उठा के देखें पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का, तो इंडिया में जब भी कोई रिटेल बिजनेस का डील होता है, कोई एक कंपनी दूसरे रिटेल कंपनी को खरीदती है, रिटेल यहाँ पे मैं जब बात कर रहा हूँ तो मोस्टली वो रिटेलर्स जो कि फूड और FMCG प्रोडक्ट्स मेनली बेचते हैं जैसे कि फूड वर्ल्ड पहले हुआ करता था जिसको स्पेंसर ने खरीदा या मोर को खरीदा कुछ PE फंड हाउसेज ने, या अभी रिसेंट डील में देखिए जैसे नेचर बास्केट को खरीदा स्पेंसर ने, तो सभी डील जो होते हैं वो सेल्स के ऊपर होते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रॉफिटेबल रिटेलर कंपनी है तो उसको और उसका सेल्स अगर 1000 करोड़ रुपीज है साल का तो उसका वैल्यूएशन आप आराम से 1500 करोड़ लगा सकते हैं, और अगर लॉस मेकिंग भी है जैसे कि नेचर्स बास्केट था उसका भी सेल्स करीब 300 और 350 करोड़ था एक्विजिशन के टाइम जिसके लिए स्पेंसर ने 300 करोड़ रुपए दिए, मतलब सेल्स टू मार्केट कैप 1 टाइम पे। तो वर्स्ट केस में भी अगर आप स्पेंसर का वैल्यू लगाएंगे तो ये 3000 करोड़ रुपए का ये सालाना टर्नओवर होता है, तो इसका मार्केट कैप तो 3000 करोड़ से कम किसी भी सूरत में नहीं होता। और अगर ये प्रॉफिटेबल हो जाती है कंपनी जैसे कि ये पिछले साल हो गई थी और अभी इसके परफॉर्मेंस के ऊपर लगता है कि ये अगले 1-2 क्वार्टर के बाद जरूर ये प्रॉफिट में आने वाली है, तो फिर इसका वैल्यूएशन 1 टाइम तो नहीं रहेगा, 1 टाइम से ज्यादा होना चाहिए और 1.5 टाइम्स हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर 1 टाइम पे अगर इसका वैल्यूएशन होता है तो ये 3000 करोड़ रुपए की कंपनी बनेगी, और वो होता है अभी के मार्केट कैप 686 करोड़ रुपीज से समझिए कि 4-5 टाइम्स, इतना अंडरवैल्यूड है ये अभी भी। और ये ग्रुप बहुत जाना माना ग्रुप है, RP संजीव गोयन का ग्रुप, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो इन्होंने बहुत सारे कंपनीज को लॉस में
मेकिंग कंपनीज को, जैसे CESC है कैलकटा की, उनको इन्होंने टर्न अराउंड किया और आज कंट्री का वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर आप मान सकते हैं और प्रॉफिटेबल भी है। उसी तरह से उनकी और भी ग्रुप कंपनीज है, जैसे कि फिलिप्स कार्बन, फर्स्ट सोर्स, और उनका एक 2M ब्रांड भी है जो कि उनके दूसरे ग्रुप कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये सारे कंपनीज और सारे गामा, ये सभी कंपनियाँ काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छे वेल मैनेज्ड है, और कभी भी इनके बुक्स पे या प्रमोटर पे कभी कोई डाउट नहीं हुआ किसी को भी। कभी भी कोई आप न्यूज़ नहीं सुनेंगे कि कोई स्कैम है या कुछ हेरा फेरी किया है कभी। तो अगर इतना साफ सुथरा मैनेजमेंट है, कंपनी है, फिर भी ये इतने लो वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। आज न कल ये अपने ट्रू वैल्यू पे आ ही जाएगा और अपने परफॉर्मेंस के बल पे आ जाएगा। और अभी इसको यहाँ डिस्कस करने का एक और कारण है। देखिए, ये स्टॉक तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये स्टॉक मैं इसलिए नहीं खरीद रहा हूँ कि मुझे 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में कभी भी मुझे 10% 20% गेन मिल जाएगा। ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये इसका मार्केट में इतना काफ़ी ये अंडर वैल्यूड है, अंडर डिस्कस है। नोबडी कोई कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता, कोई इसको रिकमेंड नहीं करता, जो भी करते भी थे वो नहीं करते। तो अभी ये अननोन कंपनी है, तो जैसे जैसे इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तब जाके ये बढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावा एक और बड़ा ट्रिगर है जो कि ये अभी इतने सारे डील हो रहे हैं इस रिटेल स्पेस में, तो उसमें एक अनकन्फर्म न्यूज़ भी आ रही है, पिछले 1 महीने से आ रही है, तो अभी कंफर्म नहीं हुआ और ये आप कह सकते हैं कि एक र्यूमर है कि RPSG ग्रुप है जो कि स्पेंसर से अपने रिटेल बिजनेस से निकलना भी चाह रही है। शायद ये सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन दूसरी न्यूज है जो कि वो केवल नेचर्स बास्केट को बेच सकते हैं, रिलायंस को। अगर ये न्यूज सही होती है, जिसका कि मुझे लगता है 50-50 चांस है कि वो पूरा कंपनी अपना ना बेचना चाहे लेकिन नेचर्स बास्केट को केवल किसी और को बेच दे, और अभी वो न्यूज के हिसाब से बिलीव करें तो रिलायंस रिटेल से बात चल रही है उनकी, जो वैल्यूएशन अभी ये डिमांड कर रहे हैं नेचर्स बास्केट के लिए, तो वो आ रही है 1000 से 1300 करोड़ रुपए के करीब। अगर ये डील हो जाती है 1000 या 1300 करोड़ रुपए में नेचर्स बास्केट का, तो स्पेंसर्स को सेल्स में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नेचर्स बास्केट्स अभी भी उनको करीब 300 करोड़ रुपए से नीचे का ही सेल्स आ रही है। अगर पिछले क्वार्टर का देखें तो उसको मैं अगर पूरे साल पे जोड़ूँ तो 400 करोड़ रुपए की आएगी करीब। तो इनका सेल्स 3000 करोड़ रुपये में से 4000 करोड़ रुपये कम कर दे तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है इनको, और जो कैश इनको मिल सकता है 1000 करोड़ रुपये भी मान के चले, अगर जो लोअर रेंज है जो डील की जो बात चल रही है, अगर 1000 करोड़ रुपये भी इनको मिलते हैं रिलायंस से, ये पूरा कंपनी जो है पूरा डेट फ्री हो जाएगी। अभी इनके पास करीब 250 करोड़ का डेट है और उसको ये डेट को पूरा पे बैक कर सकते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट पूरा जीरो हो जाएगा इनका, उसके बाद भी इनके पास 700 करोड़ रुपए बच जाएंगे। अगर आप टैक्स और ये सब को हटा दें तो मोटा मोटी 650-700 करोड़ अभी भी इनके पास रह जाएंगे। तो इतना कैश, 700 करोड़ कैश, फ्री कैश, इसका मतलब है कि आप पर शेयर इनको करीब 76-80 रुपीज फ्री कैश हो जाएगा डेट पे करने के बाद, और स्टॉक प्राइस अभी भी 76 रुपीज है। तो आप समझिए कि सीधे यहाँ से डबल, अगर ये डील होती है तो ये स्टॉक केवल नेचर बास्केट अगर बिकती है तो ये शेयर जो है आराम से 200 रुपये तो कभी भी चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिसका एक और सिनेरियो है, अगर रिलायंस ने इनको अच्छा ऑफर दिया कोई पूरे कंपनी को एक्वायर करने का, और उसका एक कारण भी है क्योंकि रिलायंस चाहता है कि अभी मार्केट को डोमिनेट करे, और फ्यूचर ग्रुप को जो इन्होंने बाई किया है तो उस डील में कुछ अभी भी अड़चने हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी श्योर नहीं है कि ये डील जाएगी। तो उस केस में वो दूसरे किसी कंपनी को एक्वायर करके रखना चाहते हैं, जिससे कि उनको दिखाने को बने अपने इन्वेस्टर्स को कि मेरे पास इतने सारे साइज हैं, मेरे पास और भी एडिशनल 300 स्टोर आ गए स्पेंसर के, और ये डिफरेंट सिटीज में, कैलकटा में, लखनऊ में, यूपी में, ईस्ट यूपी में, सभी जगह मेरा प्रेजेंस हो गया। तो उसका पूरा अगर कंपनी को खरीदते हैं तो समझिए कि ये कंपनी का वैल्यूएशन 4000 करोड़ 5000 करोड़ रुपये आराम से आ सकता है, और स्टॉक प्राइस तो आप सोचिए ही मत, 400 रुपये तो
तो आराम से आ जाएंगे, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी कम है। अब देखिए, ये केवल दो ट्रिगर हैं डील का, और इस डील के बाद अगर रिलायंस से नहीं होता है इनका डील, और भी जो अपने कंट्री के अंदर जो दूसरे रिटेलर है, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम फिर आता है एवेन्यू सुपरमार्ट, और आप सबको मालूम ही है कि राधा किशन दामानी जी भी 2% स्टेक उनका स्पेंसर में है, लेकिन वो पर्सनल कैपेसिटी में है। तो अभी तक तो कहीं से ये खबर नहीं आई कि उनको भी कोई इंटरेस्ट है स्पेंसर में एक्वायर करने का, लेकिन आगे का हमें कुछ भी पता नहीं। क्या पता अगर उनको रिलायंस से कम्पीट करने के लिए किसी दिन इसको भी खरीदने की ज़रूरत पड़ जाए, तो होता दिखता नहीं है अभी, तो उसको स्पेकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन रिलायंस का न्यूज़ है जो कि अभी है, अभी डील की बात चल रही है अनकन्फर्म सोर्सेस से, तो हम उसके ऊपर बेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी डील नहीं होती है तो क्या होगा? फिर भी आप देखें तो ये स्पेंसर्स जो है अपना परफॉर्मेंस काफ़ी सुधार चुका है पिछले कितने क्वार्टर से, आप 3-4 क्वार्टर से देखिए, उनका ग्रॉस मार्जिन बहुत अच्छा है, 21% का है, और नेचर्स बास्केट को ऑलरेडी उन्होंने ईबिटा पॉजिटिव कर लिया है, और अभी जो रिसेंट राइट्स इश्यू आया था उससे उनको 80 करोड़ रुपीज़ अभी आए हैं, तो उनके पास कैश भी है नए स्टोर्स ओपन करने के लिए। तो और 2-3 क्वार्टर में ये आराम से अपना मार्जिन भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और नेचर्स बास्केट्स में जैसा उनको मिल रहा है रिस्पॉन्स अभी इंटीग्रेशन के बाद, तो ये उनको एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा, और पक्का वो प्रॉफिटेबल तो हो जाएंगे अगले साल मार्च तक में, और तब इस कंपनी का अपना परफॉर्मेंस के बल पे भी स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे सुधर सकता है। लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा उसको होने के लिए। अगर डील हो गई कोई भी रिलायंस से, तो हमें स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन तो तुरंत ही मिल जाएगा, मे बी 2 महीने में ही, 3 महीने में। लेकिन मैं इसको लेके रख रहा हूँ अगले 2-3 साल के लिए, कि अगर कोई डील नहीं हुई तो भी ये शेयर इतना सस्ता है कि यहाँ से आराम से ये 2 टाइम्स तो हो ही सकता है। लाइक जब रिजल्ट अच्छे आने लगे, तो अभी से अगले साल तक में आप देखिए जून क्वार्टर अगले साल 21 में, तो ये कोई बहुत बुरा नहीं है इन्वेस्टमेंट। और इसमें एक ही खास बात है जो ध्यान में रखने की है, कि ऐसा शेयर जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिटेबिलिटी ईपीएस और ये सब देखने का नहीं है, आपको इसमें केवल लेके होप में छोड़ना पड़ेगा आपको, ये लॉन्ग टर्म वाला शेयर में आ जाता है, तो आपको लेके इसको 1 साल 2 साल के लिए, तो ऐसे शेयर में आपको कभी भी ज़्यादा अपना रेशियो नहीं रखना चाहिए। आपके पास अगर कोई पोर्टफोलियो है 1 लाख रुपये का, तो आप इसमें बहुत से बहुत तो 5 या 10 हज़ार का बहुत होगा तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ये ट्रेडिंग करने का शेयर नहीं है, ये आपको इसी एक लेवल पे महीनों महीनों तक अटका रह जाएगा। और एक खास बात है जो मैं लास्ट में इसको ख़त्म करने से पहले बताना चाहता हूँ, कि क्यों इसके ऊपर एक और रीज़न है। अभी देखिए फ्यूचर ग्रुप और रिटेल का जो डील हुआ है उसमें अभी बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। एक तो अमेज़न ने ऑब्जेक्शन डाला है और उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया है कि ये फ्यूचर डील, फ्यूचर ने उनको, फ्यूचर के साथ उनका एक डील था कि अगर कभी उनको बेचना है कंपनी अपना, तो पहले अमेज़न को ऑफ़र करेंगे, अगर वो नहीं खरीदते तभी वो किसी और को बेच सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ग्रुप जो है बिना अमेज़न का कंसेंट लिए हुए उन्होंने रिलायंस को बेच दिया, तो इस बात पे केस चल रहा है। तो अब ये डील खटाई में पड़ती नज़र आ रही है, लेकिन हम श्योर नहीं बता सकते कि ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, लेकिन अभी का सिचुएशन में ये लग रहा है कि ये डील में अभी भी प्रॉब्लम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डील हो जाए, मतलब अभी अप्रूवल आने में भी 6 महीने लगने वाले हैं अगर सब कुछ सही चला तो, और इस 6 महीने में फ्यूचर रिटेल को बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। अभी जहाँ तक आपको पता होगा कि फ्यूचर रिटेल को हर वीक में एक न्यूज़ आएगी कि वो किसी न किसी लोन का पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, उनके पास वर्किंग कैपिटल बहुत कम है, बैंक उनको कोई भी नया लोन दे नहीं रहा है, बैंक बोलते हैं कि जब तक रिलायंस का डील आपका कंप्लीट नहीं होता हम आपको कोई भी एडिशनल पैसा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप पुराने का ही इंटरेस्ट नहीं चुका रहे हैं। तो उनके पास पैसों की बहुत कमी है, उनके वेंडर्स जो हैं जो कि उनको सप्लाई करते हैं FMCG या जो भी है, उनको उन्होंने अभी तक 4-5 महीनों का ड्यू पड़ा है, उनको पे नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो फ्यूचर ग्रुप कहाँ से अपने बिग बाजार में कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, जब उनके पास बहुत सारे ब्रांड के सामान ही नहीं रहेंगे, बहुत सारे उनके पास कैश नहीं है, तो बहुत सारे डिस्काउंट दे भी नहीं सकते वो कस्टमर को। तो इस केस में क्या होगा कि फ्यूचर रिटेल अगले 4-5 महीने में उनकी शॉप्स में विजिट बहुत कम होने वाली है, और अगर 10% चांस भी है कि फ्यूचर रिटेल कोलैप्स हो सकता है डील होने
अप्रूवल आने के पहले तक, और रिलायंस ने क्लेरिफाई किया है कि वो मार्च 2020 के बाद का कोई भी पेमेंट उनका नहीं करेगा फ्यूचर ग्रुप का, वो प्रमोटर को खुद करना पड़ेगा और प्रमोटर्स के पास कोई पैसा नहीं है। तो इस एंगल से देखें तो देर इज़ ए 50% चांस कि फ्यूचर रिटेल शायद क्लोज भी हो जाए अगले 4-5 महीने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। ये बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर होता है तो क्या होगा, सभी दूसरे जो प्लेयर हैं उन सभी को फायदा होगा, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क जिसका है बिग बाजार से लेके बहुत सारे जो सेंट्रल चलते हैं मॉल, इनके सभी इनके अगर बंद हो गए तो जितने भी दूसरे प्लेयर हैं इंक्लूडिंग रिलायंस, रिलायंस रिटेल और डी मार्ट, सभी को फायदा होगा। सारे कस्टमर्स जो इधर के हैं वो उनके पास दूसरा कोई चॉइस नहीं रहेगा और दूसरे लोगों के पास जाएंगे, सभी को फायदा होगा, रिलायंस को भी फायदा होगा। रिलायंस के पास इस डील से लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर फ्यूचर रिटेल ऐसे भी डूब जाता है तो उनको ही फायदा है, क्योंकि वो सारे जो उनके शॉप्स हैं वो रेंट पे ही है, वो सभी को वापस खुद ही डायरेक्ट लीज आउट कर सकते हैं और वहाँ पे अपना बोर्ड लगा के नया खोल सकते हैं बिना इनको पैसे दिए हुए फ्यूचर को। तो ये सब चीज़ देखे तो आगे जाके सभी प्लेयर को फायदा हो सकता है और स्पेंसर्स को भी होगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क मुझे नहीं दिखता, एक्सेप्ट कि हमें इसमें टाइम रिस्क है। अगर कोई डील नहीं होती है अगले कुछ महीनों में तो केवल हमें इसके परफॉर्मेंस का सुधरने का ऐसे ही वेट करना पड़ेगा, और वो 6 महीने भी लग सकते हैं और 2 महीने भी लग सकते हैं। नीचे का इसमें जाने का स्टॉक का वही है जितना अभी आपको लॉकडाउन के टाइम में 50-60 रुपये गया था, ये फिर से वापस वहाँ जा सकता है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। और उसके अलावा एक छोटा सा रिस्क है जो कि उतना वैलिड नहीं दिखता है, जैसे कि लोग कंपेयर करते हैं कि रिलायंस जिस भी फील्ड में जाता है बहुत ज़्यादा पैसा है तो डिस्काउंट देके वो कंपटीटर्स को मार देता है, लेकिन ग्रॉसरी में आप देखिए बिग बास्केट और ग्रोफर्स ऑलरेडी इतना सारा डिस्काउंट देते हैं, फिर भी दूसरे प्लेयर आराम से चल रहे हैं, डीमार्ट चलता ही है, सभी चलते हैं, तो ये इतना बड़ा मार्केट है कि उसमें कोई एक प्लेयर आके वो दूसरे को आराम से ख़त्म नहीं कर सकता केवल डिस्काउंटिंग मॉडल पे। ग्रॉसरी और ये एक्चुअली नेबरहुड स्टोर है, जो लोग आसपास के सामान खरीदने हैं 100-200 रुपये 500 रुपये का, वो वेट नहीं करेंगे कि ये जाके रिलायंस को खोज के लाऊं जब डिस्काउंट दे रहा है। और ऑनलाइन में आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ऑनलाइन में रिलायंस के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर बना हुआ है अभी, जो इतने सारे ऑर्डर्स ले रहा है। तो कुल मिला के ये हाई रिस्क हाई गेन वाला शेयर है, और रिस्क भी क्या है कि यहाँ से आपको 50% भी आपको लॉस हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग पेशेंस होल्ड करके रखें तो कोई अगर डील हो गई तो, और नहीं भी हुई तो भी हमें 1-2 साल में अच्छा प्रॉफिट मिलने का पूरा गुंजाइश है। थैंक यू।